हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलजी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में अगर कैपिटल एल ई एरर अगर आपको आता है, एरर अगर आता है, तो उसे आप किस तरह घर बैठे ही बड़ी आसानी से आप सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। तो कैपिटल एल ई एरर का मतलब दोस्तों ये होता है कि मोटर लॉक्ड एरर, यानी कि मोटर जो है आपकी जो ड्रम को घुमाती है वो मोटर लॉक हो चुकी है। तो उसकी यही वजह होती है कि मशीन को आपने ओवरलोड कर दिया या तो अनबैलेंस्ड रखा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में मोटर लॉक हो जाती है ताकि मोटर ओवरलोड ना हो और मोटर आपकी ना खराब हो। तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक एक सेंसर लगा रहता है जो सेंस कर लेता है कि मशीन की मोटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में मोटर लॉक हो जाती है। तो इस एरर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मशीन ऑफ कर देनी है स्विच से, और उसके बाद डोर खोल करके, डोर दो मिनट बाद ही खुलेगा तुरंत मशीन ऑफ करने के बाद, तो स्विच ऑफ करके दोस्तों आपको डोर खोलना है, थोड़ा सा लोड कम कर देना, थोड़े से कपड़े कम कर देने हैं, और उसके बाद दोबारा मशीन को ऑन करेंगे और आप स्टार्ट कर लेंगे। और इसके बाद भी अगर ना हो दोस्तों, तो आप मशीन को ऑफ कर दीजिए, प्लग निकाल दीजिए, और उसके बाद इसके बटन को 5 से 10 सेकंड आप प्रेस करे रहिए। पावर बटन को आप 10 सेकंड के लिए प्रेस करे रहिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आपकी मशीन एक तरह से रीसेट हो गई, ठीक है। इसके बाद आप पावर का प्लग वापस लगा देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो कैपिटल एल ई एरर यानी कि मोटर लॉक्ड एरर आपका जा चुका होगा। और दोस्तों, एलजी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो काफी अमेजोन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आपके काफी ज्यादा काम करा होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे दोनों चैनल टेक्नो तपन और तपन गुप्ता दोनों को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अक्सर लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।